डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं हिंदी का निबंध. निबंध का नाम है जब मैं प्रथम आया. बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था. वार्षिक परीक्षा को मात्र 2 महीने शेष रह गए थे. इसी बीच मेरे पिताजी, जो एक सरकारी पदाधिकारी थे, उनका स्थानांतर नासिक हो गया. हम सभी लोगों को तत्काल वहां चले जाना था. विद्यालय से विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लेकर मैं भी नासिक चला गया तथा वहां के लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में मेरा दाखिला हो गया. 1 महीने तक मेरी पढ़ाई बिल्कुल पटरी से उतर गई. नई जगह को समझना था. इसी बीच वार्षिक परीक्षा की तिथि निर्धारण की सूचना मिली. एक तो घर में सब कुछ अस्त व्यस्त, मेरी किताबें, नोटबुक जहां तहां और सामने तैयार खड़ी वार्षिक परीक्षा. स्कूल में मुझे ठीक से कोई पहचानता भी नहीं था. परीक्षा आरंभ हो गई. परीक्षा की तैयारी मुझे अपने ही बल पर करनी पड़ी. किसी से परिचय भी ठीक से नहीं हो पाया था कि पाठ के संबंध में मैं कुछ पूछताछ भी कर पाता. मैंने अपने बलबूते परीक्षा दी थी. परीक्षा समाप्त हो गई. स्कूल में भी छुट्टी कर दी गई. अब किसी से मेरे पहचान होने की संभावना और भी कम हो गई. एक माह के अंतराल के बाद स्कूल खुला. संयोगवश उसी दिन परीक्षा फल की घोषणा की गई. अचानक मेरा नाम पुकारा गया. मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया था. भय से मैं कांप रहा था. क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? लेकिन नहीं, परीक्षा फल में बताया गया कि मैं प्रथम आया हूँ. मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ. सभी मुझे बधाई देने लगे. मैं उछल पड़ा. मित्र ताली बजाने लगे. अंक पत्र लेने शिक्षक के पास पहुंचा तो उन्होंने पीठ थपथपाई, कहा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया. मैं उड़ता हुआ घर पहुंचा. परिणाम सुनकर माँ ने मुझे गले से लगा लिया. पिताजी ने पीठ थपथपाई. मेरी मेहनत का मुझे कितना अच्छा फल मिला था.